हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो ये जो जयश्री टी है, ये बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है और इनका जो बिजनेस है, देखिए, ये चाय पत्ती, चीनी और केमिकल्स के बिजनेस में ये है ये कंपनी। और अगर हम देखेंगे बीके बिरला ग्रुप, देखिए इनका जो कंपनियां है कुछ, जैसे कि केसराम इंडस्ट्रीज है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स और सेंचुरी इनका। और देखिए, अगर हम जयश्री टी के बारे में बात करेंगे, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टी उत्पादक है और इनके टोटल 27 टी एस्टेट्स है इंडिया में और साउथ ईस्ट अफ्रीका में। और देखिए, अगर ये कंपनी का जो रेवेन्यू, इनका जो रेवेन्यू, इसमें से 65% रेवेन्यू चाय पत्ती के बिजनेस से आता है और बाकी जो रेवेन्यू आता है वो केमिकल और चीनी के बिजनेस से आता है। और देखिए, कंपनी जो पूरा इनका जो बिजनेस है वो, उनके पास पूरा टी फैक्ट्री है, टी पैकिंग, टी वेयरहाउसिंग फैसिलिटी, ये सारा अपने ही कंपनी में करता है। और देखिए, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ फोटोज हैं यहाँ पे, जो कंपनी अपने जो उत्पादन जो बेचता है। और देखिए, मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ बताना चाहता हूँ जो हाल के टाइम में आया था। देखिए, कंपनी का जो सब्सिडरी है, जो चीनी का सब्सिडरी है, वो जो चीनी का सब्सिडरी वो प्रॉफिट में आ रहा है, क्योंकि एक लॉस मेकिंग यूनिट था और उसको चीनी बिजनेस को 20 करोड़ का लॉस हुआ था पिछले साल, और इस साल मैनेजमेंट का कहना है कि उसको 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा। और यानी एक टर्न अराउंड स्टोरी है इनका जो चीनी का बिजनेस, शुगर बिजनेस। और देखिए, दूसरा एक बड़ा पॉइंट ये है कि देखिए, जो केनिया है, केनिया सबसे बड़ा एक उत्पादक है चाय पत्तियों का, और वहां पे इस साल अकाल पड़ने के वजह से क्या होगा कि जो इंडियन टी प्राइसेस है वो बढ़ने वाले हैं। और देखिए, उसी तरह जो अपना जो आसाम का टी यानी दार्जिलिंग का जो टी प्राइसेस है वो अब तक 25% बढ़े हैं। और देखिए, जैसे कि ये 3 साल से जो टी इंडस्ट्री थोड़े ये लॉस में चल रहा था, और अभी वो टी प्राइसेस बढ़ने के वजह से ये पूरा टी इंडस्ट्री एक बूम करने वाला है आने वाले 1 साल में, देखिए। और कंपनी के बारे में अगर हम कुछ पॉजिटिव्स के बारे में देखेंगे, जैसे मैं बता रहा था, कंपनी का एक सब्सिडरी है मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के नाम से वो जाना जाता है, वो 20 करोड़ का उसने लॉस किया था, और देखिए इस साल मैनेजमेंट कह रहा है कि 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा। यानी आप सोचिए कितना बड़ा एक टर्न अराउंड स्टोरी है इनका जो शुगर बिजनेस। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट कह रहा है, इनका जो दार्जिलिंग में जो टी एस्टेट है वहाँ पे कंपनी, देखिए, ये जो ऑरेंज और लेमन होता है ये भी उत्पादन करने वाला है, स्टार्ट करने वाले बड़े पैमाने पर। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात, देखिए, कंपनी का जो टी एस्टेट, इनका जो जो जोग्राफिकली जो सिचुएटेड है, एक अच्छे, बहुत ही अच्छा टी एस्टेट से इनका जो यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये जयश्री टी एस्टेट्स का जो टी होता है, इनका एक प्रीमियम कमांड करता है मार्केट में। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जो केनिया में जो ये चल रहा है, अभी ड्रॉट चल रहा है, उस वजह से क्या होगा, जो टी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और देखिए, कंपनी का अगर हम रेवेन्यू, अगर हम रिजल्ट पे गौर करेंगे, देखिए FY16 में कंपनी ने 6.3 करोड़ का लॉस किया था कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और FY17 जो इस साल का अगर हम देखेंगे तो 3.68 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट में आया। यानी देखिए, 6 करोड़ के लॉस से, नुकसान से 3.68 करोड़ का प्रॉफिट पे आया। अगर हम आज के डेट में कंपनी का जो मार्केट प्राइस देखेंगे, शेयर प्राइस, वो है 97 रुपीज़। और मुझे लगता है कि ये जैसे मैंने आप लोगों को पॉजिटिव बताया है, अगर ये सब सारा हम अगर देखेंगे, नज़रिया लेंगे, तो देखिए 124 का, 125 का टारगेट 1 साल में बड़े आसानी से सभी लोगों को मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।